पॉलिनियर वेक्टर इफ टू और मोर वेक्टर, आपके पास दो या दो से ज्यादा वेक्टर है और दे लाई ऑन द सेम स्पॉट, अब वो सेम स्पॉट के ऊपर लाई करते हैं, क्लियर? सपोज कीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, क्लियर? या इधर द फॉर्म ऑफ ए बी सी, तो वेक्टर ए बी एंड बी सी आर कोलिनियर। ये कोलिनियर कब होंगे आपके टू वेक्टर? इफ दे लाई ऑन द सेम स्पॉट, सेम स्पॉट मीन्स सपोज ऑन सेम, फॉर एग्जांपल ऑन एन। इसमें क्या होता है, अगर आपका वन वेक्टर ए बी लैम्डा टाइम बी सी आ जाए, इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी सी आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर, क्लियर? समटाइम्स क्या होता है, आपके पास सपोज कीजिए फोर पॉइंट्स हैं ए बी सी डी, तो वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी अगर इक्वल बन जाए आपका, देन इट इज आल्सो कोलिनियर, क्लियर? बट यहां एक कंडीशन बन जाती है, इफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू सी डी है एंड इफ वेक्टर ए बी इज इक्वल टू बी सी है, तो यहां देखेंगे ए बी और बी सी इक्वल है तो दोनों में कॉमन बी पॉइंट इज कॉमन, इट मीन्स वो पैरेलल तो हो नहीं सकते। सो ऐसे केसेस में हम क्या लेते हैं, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी वन पॉइंट इज कॉमन कोलिनियर वेक्टर। बट समटाइम्स अगर आपको ये गिवन नहीं है और डायरेक्टली आपको गिवन है वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डी, तो ये केस ऑफ पैरेलल में चला जाता है, इन केस ऑफ पैरेलल बिकॉज हियर नो पॉइंट इज कॉमन, क्लियर? नेक्स्ट इज फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर विच हैव नॉट फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, जिसका कोई इनिशियल पॉइंट है ही नहीं, आप बता ही नहीं सकते इसमें क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल वेक्टर ए, ये फ्री वेक्टर है, आप ए से कंफर्म नहीं कर सकते इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, क्लियर? सो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, फ्री वेक्टर। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर में क्या हुआ डियर स्टूडेंट, सपोज वी हैव वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड बट बी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो वी कैन राइट बी एज माइनस ए, वेक्टर बी को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस ए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास वेक्टर ए बी है और अगर आप इसको बी ए लिखेंगे, यानी अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या लग जाएगा, नेगेटिव। दिस मीन्स वेक्टर के अंदर अगर आपने कहीं नेगेटिव सिंबल दे दिया तो उसकी डायरेक्शन क्या कर दी, हमने चेंज कर दी, क्लियर? सो ए बी इज इक्वल टू, अगर आपने बी ए लिखा तो क्या अप्लाई करेंगे, माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। नेक्स्ट इज कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर क्या होगा, अगर आपके पास वेक्टर दे लाइन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन, अगर वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो क्या कौन से वेक्टर कहलाएंगे, कोप्लेनर। कौन से वेक्टर कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, क्लियर? कोप्लेनर वेक्टर कौन से, इफ द वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन, देन दे लाइज दे आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड ऑफ ए वेक्टर, लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड ऑफ ए वेक्टर मींस व्हिच हैव फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट, फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट। फॉर एग्जांपल फोर्स, यू नो फोर्स, तो जब आपके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगी और कोई एप्लीकेशन होगा तभी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन दिस वे लोकलाइज्ड ऑफ ए वेक्टर एग्जांपल इज
force. Now we will write localized vector which have fixed initial point. जैसे हमने फोर्स को लिया, तो फोर्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. क्लियर? सो इन दिस वे इज द एग्जांपल ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर एंड कोलिनियर वेक्टर आल्सो. कोलिनियर वेक्टर, आर यू हैव अ कोलिनियर वेक्टर? We have a collinear vector in which two or more vector lie on the same spot. Which spot? Same spot. Suppose lie on L. Clear? Next is position vector. Position vector. How will you find position vector? If O is any fixed point and A is here, the position vector of A is, suppose here is vector A, so we will write where O has origin. Clear? So in this way you can find out position vector. So dear student, now we have discussed different type of vectors, different types of vectors. Now in next part, now in physical quantity we have two types, vector and scalar. Vector and scalar. Vector or scalar mein kya difference hai student? You know, vector means which have magnitude and direction. जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, डेट इज वेक्टर. और स्केलर के पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड. स्केलर हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. नाउ यू कैन डिफरेंशिएट इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विच इज वेक्टर विच इज स्केलर. तो यू नो देर आर more quantity in scalar or in vector, you know, velocity, accelerations. Okay, now you know which have only magnitude is scalar and magnitude plus direction vector. Okay, or in vector main is, you know, velocity, accelerations, momentum, displacement, weight, etc. Now this is the next topic about direction ratio and direction cosine. So what is direction ratio? What is direction cosine? Suppose we have as origin z axis x, y, and here a, b, c. Then ABC is called direction ratio. ABC is called direction ratio. ABC यहाँ पे क्या है फ्रेंड? Direction ratio. And direction cosine. Direction ratio. And another is direction cosine. इसको हम LMN से लिखते हैं. डायरेक्शन कोसाइन को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? LMN से. तो डायरेक्शन कोसाइन तो क्या होगा? एंगल, जो वेक्टर OP है उसने एंगल्स क्या क्या बनाए. सपोज कीजिए x एक्सिस के साथ बनाया अल्फा, y के साथ बीटा, z के साथ गामा. अल्फा बीटा गामा मींस L is cos alpha, cosine है. M is cos beta, and N is cos gamma. Cos alpha, cos beta, cos gamma.
तो ये क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अब इनमें एक प्रॉपर्टी है कि जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं इनके स्क्वायर का सम ऑलवेज वन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज वन। पर डायरेक्शन रेशियो में ऐसा कुछ लिंक नहीं है इन डायरेक्शन कोसाइन, बिकॉज ये स्ट्रेंथ ही अगेन वी है। डायरेक्शन रेशियो क्या होगी, जो हमारा वेक्टर होगा कोई ओपी है उसके जो कंपोनेंट है ए बी सी स्केलर कंपोनेंट, दैट इज डायरेक्शन रेशियो। क्लियर, उनको हमने ए बी सी से डिनोट किया। डायरेक्शन कोसाइन एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। सपोज एक्स के साथ एंगल अल्फा, सो एल इज कोस अल्फा, एम इज कोस बीटा, एन इज कोस गामा। एंड डायरेक्शन कोसाइन को किससे लिखेंगे, एल एम एन से। और प्रॉपर्टी क्या होता है, इनके स्क्वायर का सम ऑलवेज क्या होता है, वन। तो सो आप पुट करना है यहाँ कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज ऑल्सो वन। अगर इसको मैं साइन में लिखूँ, वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा वन माइनस साइन स्क्वायर गामा, ये वन टू थ्री, थ्री में से वन माइनस होगा टू, और इधर आकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। क्लियर, तो इस कंडीशन में आप ये भी प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, नाउ इन प्लेन वी हैव वन वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर बी। प्लेन में हमारे पास टू वेक्टर हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो वी सपोज ओ इज एनी पॉइंट, और हमने यहाँ लिखा ओ ए इज पैरेलल टू वेक्टर ए। ओ ए को हमने किसके पैरेलल लिया, वेक्टर ए के, तो मैंने इसको नेम दे दिया वेक्टर ए। एंड ए बी इज पैरेलल टू बी, पैरेलल टू वेक्टर बी। क्लियर, और इस कंडीशन में लेना है ओ ए वेक्टर में, ओ ए वेक्टर के अंदर ए आपका टर्मिनल पॉइंट है, तो टर्मिनल पॉइंट ए बी के अंदर क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट। क्या बनेगा, इनिशियल पॉइंट। अब हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो यू कैन से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर का ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर का क्या लिखेंगे आप, वेक्टर्स ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें क्या होगा, वेक्टर ए वेक्टर बी एंड ओ ए एंड ए बी, तो ज्वाइन ओ बी, ओ बी को ज्वाइन करेंगे। क्लियर, ओबी को ज्वाइन किया हमने, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, वन पॉइंट तो ये माइंड में रखना आपको। तो OA प्लस AB किसके इक्वल होता है, OB के। ये A वेक्टर है, ये वेक्टर B है, तो OB वेक्टर हमारे पास क्या आ गया, A प्लस B, A plus B। तो triangle law of addition क्या कहता है, in a triangle if we have two side in the same direction, the third side in the opposite direction. Clear? So OB is OA plus AB. This is the example of triangle law of addition. For parallelogram law of addition में क्या करेंगे हम, इसको parallel ले लेंगे यहाँ से। B suppose D. You can see also, इसके पैरेलल ये जाएगा, इसको क्या लिखेंगे आप, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। क्लियर, अब मुझे ये फाइंड आउट करना है। क्लियर, अब इसको फाइंड आउट करेंगे आप एसी को, तो एसी क्या होगा, देखिए व्हाट इज एसी, तो यू नो एसी इज एओ प्लस ओसी। What is AO? You know OA is vector A, और मैं direction change करूँगा तो क्या हो जाएगा, minus A. So minus A
पड़ोसी क्या है पी, वी कैन राइट बी माइनस ए, वी कैन राइट बी माइनस, तो ये क्या है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, क्लियर। तो यू कैन फाइंड पैरेललोग्राम्स के जो डायगनल है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। नाउ सम पार्ट्स, वेक्टर एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, मींस ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव आल्सो, ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी। अगर किसी वेक्टर में आप इसका नेगेटिव ऐड करेंगे रिजल्ट क्या रहेगा, जीरो। किसी वेक्टर में जीरो वेक्टर ऐड करेंगे तो सेम वेक्टर। अगर आपके पास k इनटू वेक्टर a मैग्नीट्यूड है विद स्केलर, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन देख लीजिए आप पहले। सपोज k इनटू वेक्टर a, वही रहेगा k वेक्टर a, क्लियर। अगर ऐसे है तो आप इसको डिफरेंट निकाल सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। नाउ इन मैग्नीट्यूड, k मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इज रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ k मैग्नीट्यूड ऑफ a। फॉर एग्जांपल आपके पास है माइनस थ्री वेक्टर a, तो वी कैन राइट माइनस थ्री एंड मैग्नीट्यूड ऑफ a, माइनस थ्री प्लस थ्री, इन दिस वे वी कैन राइट इन टू वे, क्लियर। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर चैप्टर वेक्टर्स। तो इन टुडेज कॉन्सेप्ट वी हैव डिस्कस्ड इन आवर मैथमेटिकल टूल डिफरेंट सिस्टम्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम बाय यूजिंग लॉजिकल मीनिंग, एंड वन ऑफ देम इज वेक्टर। वेक्टर किसके लिए यूज किया जाता है, किसी भी फिजिकल।